हेलो एवरीवन, दिस इज़ द सेकंड लेक्चर ऑफ केमिकल बॉन्डिंग और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब दो एटम्स इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करते हैं तो कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है। तो आज हम पढ़ेंगे कि कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन कैसे होती है और हम लोग उसको कैसे शो करते हैं। तो जिस तरीके से शो करते हैं वो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन को शो कर सकते हैं बहुत इजीली। तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर होता क्या है। तो कोई भी एटम जब हम लोग शो करते हैं, तो जैसे कि एक एग्जांपल है कैल्शियम, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2882। तो आउटर मोस्ट शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उस एटम के सिंबल के अराउंड आप उन इलेक्ट्रॉन्स को शो करते हो उतने ही डॉट से। सपोज़ यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन्स हैं तो दो डॉट से हम लोग शो करेंगे, इसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो ध्यान रखिए इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर में इनर शेल से कोई मतलब नहीं है, हमको केवल आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स शो करने हैं, जबकि ऑर्बिट डायग्राम में आप सारी की सारी ऑर्बिट शो करते थे। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की हेल्प से हम लोग सीखेंगे आज कि हम कैसे फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड या शो करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो जैसा कि आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हाइड्रोजन का क्या होता है, 1। तो हाइड्रोजन में एक ही शेल होती है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ पे H2 मॉलिक्यूल में दो हाइड्रोजन एटम होते हैं क्योंकि हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए अपनी आउटर मोस्ट शेल को कंप्लीट करने के लिए। तो दो हाइड्रोजन एटम्स, दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करेंगे और फॉर्म कर लेंगे H2 मॉलिक्यूल। तो एक इलेक्ट्रॉन एक हाइड्रोजन एटम का है, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरे हाइड्रोजन एटम का है। तो इस हाइड्रोजन एटम के भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। सो बोथ द हाइड्रोजन एटम्स विल कंप्लीट देयर ड्यूप्लेट, दो इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज कॉल्ड ड्यूप्लेट। एक और एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं O2 मॉलिक्यूल का। तो जैसे कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है O2 मॉलिक्यूल का, ऑक्सीजन एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 2-6। इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हो गया ऑक्सीजन का सिंबल और आउटर मोस्ट शेल में आपको शो करने हैं 6 इलेक्ट्रॉन्स। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 प्लस दूसरा ऑक्सीजन एटम आउटर मोस्ट शेल में 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब आपको दिख रहा है कि ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और इसको अपने आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट करने हैं, तो इसको चाहिए 2 इलेक्ट्रॉन्स। सो दोनों एटम दो दो इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे और उसकी हेल्प से बनेगा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। सो 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 इलेक्ट्रॉन दो एक एटम के, 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 इलेक्ट्रॉन दूसरे ऑक्सीजन एटम के। तो इस क्योंकि ये दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ये दोनों ऑक्सीजन एटम शेयर करेंगे, तो ये हो गया आपका ऑक्सीजन मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। तो इस तरीके से आप इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर शो कर सकते हो। चलिए एक और एग्जांपल हम लोग देख सकते हैं, NH3 मॉलिक्यूल। तो यहाँ पे दो एलिमेंट्स हैं, एक तो नाइट्रोजन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है नाइट्रोजन का, दैट इज 2, 5, क्योंकि 7 इसका एटॉमिक नंबर है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ हाइड्रोजन वो आपको ऑलरेडी पता है वो है 1। तो नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 5। तो आप 5 शो कर सकते हो, 1, 2, 3, 4, 5। हाइड्रोजन, क्योंकि आपको पता है नाइट्रोजन को 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है जबकि हाइड्रोजन को 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, तो 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ नाइट्रोजन एटम अपने 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा, इससे तीनों हाइड्रोजन एटम के इलेक्ट्रॉन पेयर जो दो इलेक्ट्रॉन्स है डुप्लेट वो भी कंप्लीट हो जाएगा और नाइट्रोजन का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो एक हाइड्रोजन एटम, दूसरा हाइड्रोजन एटम और ये तीसरा हाइड्रोजन एटम जब कंबाइन होगा नाइट्रोजन एटम के साथ, तो जो क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन दोनों अलग अलग एलिमेंट्स हैं तो इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच में डिफरेंस डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसको शो किया है अलग कलर से, ग्रीन कलर से। तो यहाँ पे ग्रीन कलर रिप्रेजेंट कर रहा है हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन और जो ब्लैक कलर है वो रिप्रेजेंट कर रहा है नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन।
तो आप चाहो तो अलग अलग सिंबल से शो कर सकते हो, जैसे नाइट्रोजन को एक डॉट से शो कर सकते हो, हाइड्रोजन को आप क्रॉस से शो कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप कैसे शो कर रहे हो। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि अगर ये इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो हाइड्रोजन का ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा, नाइट्रोजन एटम यहाँ पे अपना दूसरा इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा तो इसका भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा और इस हाइड्रोजन एटम का भी ड्यूप्लेट कंप्लीट हो जाएगा। तो जो आपको ओवरऑल मॉलिक्यूल मिलेगा वो किस तरीके का मिलेगा, यहाँ पर नाइट्रोजन एक, हाइड्रोजन हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, यहाँ पर दो तीन चार और पाँच, और हाइड्रोजन के भी ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन, ये दूसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन और ये तीसरे हाइड्रोजन एटम का इलेक्ट्रॉन। तो मैं थोड़ा क्लोज लिख लेता हूँ हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट और इस हाइड्रोजन के भी दो इलेक्ट्रॉन कंप्लीट, जबकि नाइट्रोजन का आप अगर देखिए तो नाइट्रोजन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये है NH3, दैट इज अमोनिया मॉलिक्यूल। तो नेक्स्ट आपके पास आता है एक और एग्जांपल, तो एक और एग्जांपल की हेल्प से आप और अच्छे से इसको समझ सकते हैं, और वो है कार्बन टेट्राक्लोराइड, तो दैट इज CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसका फॉर्मूला होता है CCl4, इसको टेट्राक्लोरोमीथेन भी आप पढ़ सकते हो। तो जैसा कि आप जानते हो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कार्बन का क्या होता है, 2-4, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्लोरीन वो कितना होता है, 2-8-7। तो आपको दिख रहा है कार्बन के आउटर मोशल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्लोरीन के आउटर मोशल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कार्बन को 4 और इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, क्लोरीन को सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। तो क्या होगा, कार्बन एटम अपने 4 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा 4 अलग अलग क्लोरीन एटम्स के साथ, क्योंकि हर क्लोरीन एटम को एक एक इलेक्ट्रॉन है तो की ज़रूरत है, तो हर क्लोरीन एटम कार्बन के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा तो उससे कार्बन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे और क्लोरीन के भी 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो कैसे, ये है सिंबल कार्बन का 1, तो कार्बन को मैं यहाँ पे ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, 1, 2, 3, 4, ये 4 इलेक्ट्रॉन हो गए कार्बन के आउटर मोशल में। अब बात करते हैं क्लोरीन की, 1, 2, 3, 4, तो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, ये क्लोरीन और क्लोरीन, ये जब ऐड होंगे तो ये इलेक्ट्रॉन कार्बन के साथ शेयर करेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन, और जैसा कि आप जानते हो कि क्लोरीन के आउटर मोशल में 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होता है बल्कि कितने होते हैं, 7, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 इलेक्ट्रॉन्स आपको हर क्लोरीन एटम के साथ शो करने पड़ेंगे, अदरवाइज ये गलत इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आपका बन जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और एक मैं ऑलरेडी शो कर चुका हूँ 7, बट शेयर कितना होगा, केवल 1 इलेक्ट्रॉन, 7 के साथ इलेक्ट्रॉन्स नहीं शेयर होंगे। तो आपको क्या मिलेगा यहाँ से, यहाँ से मिलेगा आपको कार्बन, देन कार्बन के अराउंड मैं कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स को ग्रीन कलर से शो कर रहा हूँ, 1, 2, 3 एंड 4, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन्स को मैं शो कर रहा हूँ विथ ब्लैक कलर, सो दिस इज 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ पे भी क्लोरीन एटम होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और यहाँ पे भी क्लोरीन एटम होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो क्लोरीन के 8 इलेक्ट्रॉन, और कार्बन के भी यहाँ पे 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है सर्कल में वो इलेक्ट्रॉन्स ज़रूर आने चाहिए किसी भी एटम के, एक तो खुद के इलेक्ट्रॉन्स और साथ में वो जो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, ये क्लोरीन एटम सिर्फ ये इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है तो क्लोरीन के सर्कल में केवल ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, साथ ही साथ अपने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें ये 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, और कार्बन ये भी शेयर कर रहा है, ये 3-4, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो अगर आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार फिर से वीडियो देख लीजिए, और अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम है तो आप कुछ मुझे पूछ सकते हैं कमेंट्स में। तो अब हम लोग अपने एक अगले टॉपिक पे चलते हैं जिसका नाम है कोवेलेंसी। जैसे कि आपने इलेक्ट्रोवेलेंसी पढ़ा था उसी तरीके से एक और टर्म आती है कोवेलेंसी। कोवेलेंसी क्या होती है, कोई भी एटम अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए किसी भी कोवेलेंट कंपाउंड में अपने जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किसी दूसरे एटम के साथ
एक या एक से ज़्यादा एटम्स के साथ, उसको कहते हैं उसकी कोवेलेंसी। तो जैसे कि मैंने क्या कहा, कोई भी एटम अपने आउटर मोस्ट शेल के जितने इलेक्ट्रॉन शेयर करता है किन्हीं दूसरे एटम्स के साथ। फॉर एग्जांपल ये कार्बन एटम अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, 1, 2, 3, 4, हर क्लोरीन एटम के साथ एक एक इलेक्ट्रॉन, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है अपने, 4। तो कार्बन एटम की कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 4। उसी तरीके से क्लोरीन की अगर आप बात करें तो क्लोरीन अपने कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है कार्बन एटम के साथ, केवल 1। तो क्लोरीन की कोवेलेंसी क्या होगी, ओनली 1। नाइट्रोजन की आप देख सकते हो, नाइट्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, एक ही हाइड्रोजन के साथ, एक ही हाइड्रोजन के साथ, एक ही हाइड्रोजन के साथ, टोटल 3। तो नाइट्रोजन की कोवेलेंसी क्या हो जाएगी, 3। तो आप क्या आप मुझे बता सकते हैं कि H2O मॉलिक्यूल दैट इज वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की कोवेलेंसी क्या होगी, या फिर फ्लोरीन मॉलिक्यूल में फ्लोरीन की कोवेलेंसी क्या होगी। जैसे कि H2 मॉलिक्यूल में आप जानते हो हाइड्रोजन की कोवेलेंसी क्या थी, 1, क्योंकि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा था दूसरे हाइड्रोजन एटम के साथ। तो अगर आपको इसका आप इसका आंसर बता सकते हो तो प्लीज़ कमेंट में मुझे आंसर बताइए। तो ये आपका कोवेलेंसी यहाँ पे ख़त्म होता है, और इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है कि हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि कोई भी दो एटम्स जब कंबाइन होंगे तो वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे। तो कौन से सर्कमस्टेंसेज में, कौन सी कंडीशंस में कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एटम किसी दूसरे एटम के साथ, कोई भी एलिमेंट का एक एटम किसी दूसरे एलिमेंट के किसी एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा या फिर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करेगा। तो हम दोनों की कंडीशंस देख लेते हैं। हम लोग पहले देखते हैं कंडीशंस फॉर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, और अगर आपको वो समझ में आ जाता है तो कोवेलेंट बॉन्ड की कंडीशन आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कंडीशन फॉर इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। तो एक एग्जांपल पहले मैं आपको दे देता हूं ताकि आपको बहुत इजीली समझ में आ जाए। तो आपने जैसा कि देखा था, जैसे NaCl भी एक कंपाउंड है जिसमें एक इलेक्ट्रोवेलेंट फॉर्म बॉन्ड फॉर्म होता है। तो यहां पे क्या होता है कि सबसे पहले सोडियम एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है और फॉर्म करता है सोडियम आयन। देन क्लोरीन एटम उस इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन गेन करता है और फॉर्म करता है क्लोराइड आयन, और फिर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन कंबाइन होकर फॉर्म करते हैं NaCl, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि क्या है, ज़रूरत क्या है कि सोडियम एटम कोई भी एक एटम है, एक एटम एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, दूसरा एटम एक इलेक्ट्रॉन या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो एक एटम इलेक्ट्रॉन्स लूज करने वाला होता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन्स गेन करने वाला होता है। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला एटम बनाता है पॉजिटिव आयन, इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एटम बनाएगा नेगेटिव आयन। तो दो एटम्स के बीच में कोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड कौन सी कंडीशन में बनेगा, जब एक एटम की टेंडेंसी हो इलेक्ट्रॉन लूज करने की। अगर उसकी टेंडेंसी ही नहीं होगी इलेक्ट्रॉन लूज करने की तो इलेक्ट्रॉन लूज कर नहीं पाएगा, और नहीं कर पाएगा तो आयंस कैसे फॉर्म होंगे, और अगर आयंस नहीं फॉर्म होंगे तो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड नहीं फॉर्म होगा। तो सबसे पहला इसका मतलब एक एटम की टेंडेंसी होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन लूज करने की, और इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं मेटलिक कैरेक्टर। इसका मतलब वो एलिमेंट क्या होना चाहिए, मेटल होना चाहिए। तो इसका मतलब एक एलिमेंट क्या होना चाहिए, मेटल। साथ ही साथ एक एटम की अगर इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है तो दूसरे की इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक एटम तो इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है लेकिन दूसरा उसको गेन करने के लिए तैयार नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये कोवेलेंट इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म नहीं हो पाएगा। तो इसका मतलब दूसरे एटम की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे क्लोरीन एटम है, दूसरे एटम की टेंडेंसी क्या होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की, और इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की टेंडेंसी को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। इसका मतलब अगर एक एटम जो कि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है वो मेटल है तो इलेक्ट्रॉन गेन करने वाला एलिमेंट वो क्या होगा, नॉन मेटल। तो दो शायद आपको कंडीशन पता चल गई होगी। इसका मतलब जो भी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो किसके बीच में बनेगा, एक मेटल और एक नॉन मेटल के बीच में। एक एटम मेटल का होना चाहिए और दूसरा एटम नॉन मेटल का होना चाहिए, तभी ये पॉसिबल है कि वो इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करे। तो शायद आपको कोवेलेंट बॉन्ड का अब कंडीशन बहुत इजीली समझ में आ जाएगी। तो क्या है कंडीशन फॉर कोवेलेंट बॉन्ड, तो आपको ये देखना है कि कोवेलेंट बॉन्ड में होता क्या। कोवेलेंट बॉन्ड में होती है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब कोई भी एटम दूसरे एटम के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए कब तैयार होता है,
एक्चुअली अगर आप यहाँ पे देखें, बहुत सारे आपको मैंने अभी एग्जांपल्स दिए, तो दो एटम्स ऐसे होते हैं कि जिनमें से कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए तैयार नहीं है। गेन करने के लिए दोनों एटम्स तैयार हैं, दोनों एटम चाहते हैं उन्हें इलेक्ट्रॉन्स मिले, बट लूज करने के लिए कोई भी एटम तैयार नहीं है। तो इस कंडीशन में एक बीच का रास्ता निकालेंगे और दोनों एटम्स इलेक्ट्रॉन्स शेयर करना शुरू कर देंगे ताकि किसी को इलेक्ट्रॉन लूज करने की ज़रूरत ना पड़े। तो यहाँ पे दोनों एटम्स जो हैं, उन दोनों एटम्स की टेंडेंसी नहीं है लूज़ करने की, वो चाहते हैं गेन करना, भले ही गेन कर नहीं पाते हैं, दैट इज़ अ मिडवे। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो दोनों एटम्स हैं जो एक शेयरिंग कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स की, एक या एक से ज़्यादा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो शेयर कर रहे हैं, उनकी टेंडेंसी नहीं है इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की, वो लूज़ नहीं करना चाहते हैं। इसका मतलब वो मेटल्स तो नहीं है, सर्टेनली वो मेटल्स नहीं है। दोनों एटम्स क्या हैं? नॉन मेटल्स। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा वो दो नॉन मेटल्स के बीच में ही बनेगा, क्योंकि अगर एक मेटल हुआ और एक नॉन मेटल हुआ तो वो बनेगा इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड, क्योंकि मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, वो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर लेगा। नॉन मेटल की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन गेन करने की, वो इजीली इलेक्ट्रॉन गेन कर लेगा, तो इजीली इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा। हाउएवर फ्यूचर में आप लोग देख सकते हो कि मेटल्स भी इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड और कोवेलेंट बॉन्ड दोनों फॉर्म करते हैं, बट सो फार आपको ये समझना है कि मेटल और नॉन मेटल के बीच में इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा और दो नॉन मेटल्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होगा। तो इस लेक्चर में इतना ही। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी आपकी क्वेरीज हैं, आप कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको समझ में किसी भी टॉपिक को प्रॉब्लम हो रही है तो आप एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, और आप अगर ऐसी और वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।